Hey guys, welcome back to the Entertainment Lab. शेरनी मूवी Amazon Prime पर रिलीज हो गई है और हमेशा की तरह हम आपके लिए उसका रिव्यू कम मूवी ब्रेकडाउन कम एंडिंग एक्सप्लेन लेके आए हैं। सो हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। शेरनी की कहानी मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की है और विद्या बालन एक फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल निभा रही हैं, DFO का, और उनका नाम भी इस मूवी में विद्या विंसेंट है। अब गांव में एक टाइगर अटैक होता है तो हमें एक और कैरेक्टर से मिलाया जाता है, हसन से, जो एक रिपोर्टर हैं या फिर टीचर हैं और वो DNA टेस्टिंग भी उन्हें आती है। पर ये स्टोरी मेनली टाइगर वर्सेस पॉलिटिक्स की है। अब टाइगर का अटैक फिर से होता है जिसमें एक आदमी भी मारा जाता है। अब XMLA PK बंसल से मिलने आता है और वो हंटर्स लेके जाता है और बंसल को धमकी देता है, और दूसरी तरफ गांव वाले भी भड़क जाते हैं इस मौत से। टाइगर की पहचान होती है तो पता चलता है कि वो T12 है और उसे पकड़ने के लिए ट्रैप भी बनाया जाता है, पर JK सिंह आके सब बर्बाद कर देता है। JK सिंह प्रेजेंट MLA हैं। अब एक और करेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, पिंटू भैया। वो एक हंटर होते हैं जो विद्या को टाइगर मारने का प्रपोजल देते हैं पर वो डायरेक्ट मना कर देती है। पर फिर से T12 का अटैक होता है और गांव वाले अब बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब बहुत एक्टिव हो जाता है और T12 को पकड़ने के लिए पेट्रोलिंग करना स्टार्ट कर देता है। पिंटू भैया को भी बंसल अपॉइंट करता है और वो बस अपना शौक पूरा करने के लिए टाइगर को मारना चाहते हैं, और वो पाशा नाम के एक टाइगर को मारने ही वाले होते हैं पर वो बच जाता है। और लोग फिर से पॉलिटिक्स में लग जाते हैं और JK और PK अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब पता चलता है कि T12 के दो बच्चे भी हैं और पिंटू भैया का इधर कॉन्सेप्ट होता है कि अगर माँ आदमखोर है तो बच्चे भी आदमखोर होंगे, और फिर से इसी बात पे बहस चलती है। और तो और रात में वो शिकार पे भी निकल जाते हैं बट विद्या आके उन्हें वहाँ से जाने पे मजबूर कर देती है। अब पिंटू भैया एक कॉल के बाद वहाँ से भाग जाते हैं, पर एक और मुसीबत आ जाती है जब T12 वापस जंगल की तरफ जाने लगती है तो उसके रास्ते में कॉपर माइन, हाईवे जैसी परेशानियां आने लगती हैं। और इसके बाद फिर से एक अटैक होता है पर यह हमला भालू ने किया होता है, पर इसको गांव वाले और पॉलिटिशियन इसे टाइगर अटैक मानते हैं और इसे मुद्दा बना के लड़ने लगते हैं। अब मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है और पिंटू भैया को वापस ले आया जाता है और इस केस का इंचार्ज नांगिया को मिल जाता है। T12 और उसके कब्ज की खबर पिंटू और विद्या दोनों पीछे लग जाते हैं, विद्या उसे बचाने के लिए बट पिंटू अपना शौक पूरा करने के लिए और स्कोर बढ़ाने के लिए। पर कुछ गांव वाले आके पिंटू भैया को शेरनी की खबर देते हैं और वो उसे मार देता है, पर नांगिया पिंटू को क्लीन चिट दे देता है। और लास्ट में हम देखते हैं कि विद्या का ट्रांसफर हो जाता है, पर उससे पहले उसे दोनों क्लब्स सही सलामत मिल जाते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि अब नया DFO आ गया है और विद्या भी कहीं और काम करने लगती है। सो मूवी की स्टोरी बस इतनी थी और ये हमारे देश के कमजोर हिस्सों को बहुत अच्छे से दिखा रही थी। टाइगर के नाम पे पॉलिटिक्स और अपने शौक के लिए शिकार करना और फिर बिना फंसे बच जाना, इन जैसे मुद्दों को इस मूवी ने अच्छे से उठाया। बट एक टाइप से ये एक डार्क एंडिंग भी थी कि लास्ट में बेचारी शेरनी हार जाती है और टाइगर प्रिजर्वेशन के नाम पर मजाक ही बन जाता है। अब इस मूवी का दूसरा पार्ट बनेगा या नहीं ये तो कहना मुश्किल है, बट ऐसा जरूर हो सकता है कि इस मूवी के बाद इस मुद्दे पे थोड़ी रोशनी पड़े। जहाँ तक रही शेरनी 2 की बात तो हो सकता है कि इसका दूसरा पार्ट बने, क्योंकि एंड में अच्छाई की जीत नहीं हुई और अभी भी सभी दोषी एकदम मजे से घूम रहे हैं। और तो और अभी उन दोनों कप्स का क्या हुआ ये भी पता नहीं चला। हो सकता है कि वो दोनों कप्स को विद्या अपने रेजिग्नेशन से पहले कान्हा टाइगर रिजर्व में छोड़ के आ गई हो या फिर कहीं और ले गई हो, बट क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि वो अकेले अभी सरवाइव नहीं कर सकते, और अगर वो अकेले रहे तो या फिर उन्हें शिकारी या दूसरे टाइगर मार देंगे। सो इसका आंसर तो अभी भी मिलना थोड़ा मुश्किल है कि उसका क्या हुआ, जिसके लिए इसका सेकंड पार्ट बन सकता है। सो ये सब थी मेरी थ्योरीज, अगर आपकी कोई थ्योरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।